बलरामपुर विकासखंड हर्रिया सतघरवा अंतर्गत सोमवार सुबह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत टीएचसी से कमदा मार्ग लंबाई 5 किलोमीटर लागत 37,183 लाख का शुभारंभ चौधरी राम शिरोमणि वर्मा सांसद श्रावस्ती की अध्यक्षता में कर कमलों द्वारा विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल विधानसभा तुलसीपुर की गरिमामयी उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए सड़कें बेहद महत्वपूर्ण हैं। अंतः निर्माण कार्य के दौरान सड़क की गुणवत्ता और समय अवश्य सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए कहा कि विश्व स्तरीय नई तकनीकी हॉटमिक्स द्वारा निर्मित कराए गए मार्गों की सड़कें मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, मानक के अनुसार सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित है। जनपदों में जो भी सड़कें छोटे छोटे गड्ढे होना शुरू हो तभी उसका मरम्मत कार्य बेहतर ढंग से किया जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विधायक जी, जो है अपने ही क्षेत्र में स्वास्थ्य जो केंद्र चल रहा है, तमाम अस्पताल चल रहे हैं, उस पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है। ना वो आते हैं ना बैठते हैं। कई बार इसको लेकर के सीएमओ बलरामपुर को अवगत भी करवाया गया, अभी तक इस पर क्या कोई कार्यवाही नहीं हुआ। डॉक्टर अपने कार्यों से बाज नहीं आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से थोड़ी बहुत आपके शिकायत में दम है, फिर भी डॉक्टर की उपलब्धता बलरामपुर जिले में करा दी गई है। और अभी अभी मैंने तुरंत, मुझे लगता है कि आप शायद रहे होंगे, अभी सीएमओ से बात भी किया है। जैसे गोली कला के पीएससी की बात थी और मैं प्रयास करूंगा कि शीघ्र यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो जाए। फिर भी बहुत जगह स्थानीय स्तर के डॉक्टर होने के कारण जब हम लोग या शासन प्रशासन कोई कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं से पैरवी हो जाती है कि इनका ट्रांसफर यहाँ रुकवा दीजिए, उनका ट्रांसफर वहां रुकवा दीजिए। इसी में जो आम आदमी पिस जाता है, तो प्रयास किया जाएगा कि जहाँ जैसी आवश्यकता है डॉक्टर की उसको कराया जाए। और ये अभी जो माननीय सांसद जी के संज्ञान में ये यहाँ वाले सीएससी का विषय लाए, ये अभी थोड़ा इसमें पूर्ण होने में थोड़ी कमी है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उनके सामने बात किया है, और सीएमओ से भी मैंने कहा, आप थे उस बैठक में, सीएमओ से भी मैंने कहा है कि शीघ्र इसका लोकार्पण करवा करके और चिकित्सक के यहाँ बैठ करके ड्यूटी पूरा करना शुरू कर दें। तो मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही ये आपका जो सीएससी है ना, ये सीएससी काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा, और आज पहली सड़क है जो माननीय विधायक जी हमारे साथ मौजूद है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके लगभग तुलसीपुर विधानसभा में पाँच तीन आठ सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लाने का काम किया गया है, और पूरे जनपद में लगभग 27 सड़कों को प्रयास किया गया है, और उसकी पुष्टि भी हो गई है कि 27 सड़कें बलरामपुर जनपद में जल्द से जल्द शिलान्यास होकर के काम शुरू हो जाएंगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।